वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल, दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है यूज ऑफ सम एंड एनी। सम एंड एनी का यूज किसी भी सेंटेंस में कैसे किया जाता है, इसी बात को डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह किसी भी सेंटेंस में आते हैं। तो सबसे पहले हम सम को डिस्कस करेंगे कि सम का यूज सेंटेंस में किन सिचुएशंस में किया जाता है। तो सम इज यूज टू मीन अ लिटिल एंड अ फ्यू। तो सम का यूज हम सबसे पहले करते हैं जब हमें अ लिटिल या अ फ्यू के बारे में बताना होता है, या जहां पर हम अ फ्यू अ लिटिल का अ लिटिल और अ फ्यू का यूज करते हैं वहां पर हम सम का भी यूज कर सकते हैं। लिटिल का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी क्वांटिटी की बात करते हैं, किसी मात्रा की बात करते हैं, और फ्यू का यूज हम वहां पर करते हैं जब हम किन्हीं नाउन नंबर्स की बात करते हैं, जैसे कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन बॉटल। तो वाटर क्योंकि अनकाउंटेबल है, जब हम मात्रा की बात करते हैं वहां पर हम लिटिल का यूज करते हैं। अ फ्यू, आई हैव फ्यू पेन्स इन माई पेंसिल बॉक्स। तो फ्यू का यूज हम तब करेंगे जब हम नंबर्स की बात करते हैं, तो वहां पर हम फ्यू का यूज करते हैं। तो जब हम अ लिटिल या अ फ्यू का यूज करते हैं तो सम का मीनिंग भी वही होता है जो अ लिटिल या अ फ्यू का होता है। किसी अननोन या इनडेफिनेट नंबर या क्वांटिटी की बात करने में हम सम का यूज करते हैं। संख्या के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सम का यूज करते हैं। यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सम का यूज काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, उन नाउन्स के साथ भी होता है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि पेन, बुक, पेंसिल, टेबल, चेयर, कबर्ड। तो ये काउंटेबल नाउन है। सम का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं और सम का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम मात्रा में काउंट करते हैं या क्वांटिटी में काउंट करते हैं, जैसे कि वाटर, मनी, हेयर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बटर। तो ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। इट इज ऑल्सो यूज इन एफर्मेटिव या पॉजिटिव कह सकते हैं आप, एंड क्वेश्चन सेंटेंस इंटरोगेटिव। एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे कि देयर आर सम फ्लावर्स इन अ वास। तो हमेशा ही जो यहाँ भी हमने डिस्कस करा था, सम का यूज हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पर फ्लावर्स लिखा है, ये प्लूरल है और ये काउंटेबल नाउन है। तो देयर आर सम फ्लावर, यहाँ सम की बात हो रही है, कुछ की बात हो रही है कि देयर आर सम फ्लावर्स इन अ वास, कुछ फ्लावर्स वास में हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई आस्क हर टू लेंड मी सम मनी। तो यहाँ पर जो फ्लावर था ये काउंटेबल नाउन था क्योंकि इसे हमने काउंट करा था। तो काउंटेबल नाउन के साथ भी सम का यूज होता है और यहाँ पर मनी आया है, मनी है अनकाउंटेबल नाउन। सम का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ भी होता है। I ask her to lend me some money. तो यहाँ पर एक अनिश्चित संख्या है, एक indefinite number है कि आप मुझे कुछ जो रुपए हैं, जब कुछ के सेंस में बात होती है तो वहां पर सम का यूज होता है। I ask her to lend me some money. मैंने उनसे कहा था कि मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। तो जब कुछ की बात होती है या थोड़ा की बात होती है हम सम का यूज करते हैं। मनी यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी होता है, काउंटेबल नाउन से पहले भी होता है। थर्ड एग्जांपल है, देयर आर सम हॉर्सेस इन द फॉर्म। तो जब कुछ के सेंस में बात हो रही है कि कुछ हॉर्सेस हैं, एक इनडेफिनेट नंबर है, नंबर का पता नहीं है कि कितने हॉर्सेस हैं, एक अननोन नंबर है, इनडेफिनेट नंबर की बात हो रही है, तो सम का यूज हुआ है। हॉर्सेस यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन का यूज हुआ है यहाँ पर सम से, सम के बाद में। फोर्थ एग्जांपल है, आई वुड लाइक टू गिव यू सम एडवाइस। तो यहाँ पर भी सम का यूज हुआ है कुछ के सेंस में, और वो जो कुछ है वो अननोन नंबर है, वो इनडेफिनेट है, उसका कोई भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं कितना है, या नंबर्स में कितना है, कितना क्वांटिटी में कितना है। तो एडवाइस यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सम का यूज होता है। आई वुड लाइक टू गिव यू सम एडवाइस, मतलब कि मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। जब हम कुछ की बात करते हैं वहां पर हम सम का यूज हमने करा है। अब सम का यूज हम करते हैं जब हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी हम सम का यूज करते हैं। हम क्वेश्चन सेंटेंसेस में सम का यूज तब करते हैं जब हम किसी को ऑफर देते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को सजेशन देते हैं, और किसी से जब हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट करते हैं तब हम वहां पर सम का यूज करते हैं।
और सम का यूज हम उन सिचुएशंस में करते हैं जब हमें ये पता होता है द आंसर इज यस और होप फॉर सच एन आंसर। और जब हमें ये पता होता है कि हाँ हमने जो भी क्वेश्चन करा है उसका आंसर अगर हमें यस में मिलता है या हमें ऐसा होप होता है कि हाँ हमें आंसर यस में मिलेगा, तो वहां पर हम सम का यूज करते हैं इन अ क्वेश्चन सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वुड यू लाइक सम कॉफी, तो यहाँ पर जो सम का यूज हुआ है, कॉफी यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, तो वुड यू लाइक सम कॉफी एक तरह से ये ऑफर किया गया है कि आप मेरे साथ कुछ या कॉफी लेना पसंद करोगे। तो यहाँ पर जब हम ऑफर देते हैं तो भी हम सम का यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कैन यू गिव मी सम एप्पल्स, तो एप्पल्स यहाँ पर काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन को हमेशा ही प्लूरल में लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी एक रिक्वेस्ट की जा रही है कैन यू गिव मी सम एप्पल्स, क्या आप मुझे कुछ एप्पल दे सकते हो। इनडेफिनेट नंबर है, अननोन नंबर है, कुछ बताया नहीं गया है कि 1 एप्पल 2 एप्पल या 3 एप्पल। थर्ड एग्जाम्पल है विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि क्या आप मुझे अपना कुछ टाइम दे सकते हैं, तो एक तरह से रिक्वेस्ट हो रही है। टाइम यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम का यूज हुआ है। विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, मतलब क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हो अपना, तो कुछ यहाँ पर एक डेफिनेट नंबर नहीं है, कुछ की बात हो रही है, तो एक तरह से रिक्वेस्ट करी गई है। लास्ट एग्जाम्पल है मे आई हैव सम ऑफ योर केक, तो यहाँ पर भी सम का यूज हुआ है, सम ऑफ योर केक एक तरह से पूछा गया है, आस्क किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या मैं आप का जो केक है वो कुछ केक मैं ले सकता हूँ। हमने करा है जब हम किसी अननोन इनडेफिनेट नंबर की बात करते हैं, अननोन नंबर की बात करते हैं, अननोन क्वांटिटी की बात करते हैं, मात्रा की बात करते हैं, वहां पर हम सम का यूज करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में सम आता है, क्वेश्चन सेंटेंस में भी सम का यूज होता है। तो सम को हमने डिस्कस कर लिया है, एनी को भी डिस्कस करते हैं एनी को, कि एनी का यूज कहाँ पर किया जाता है। एनी इज यूज फॉर नो और जीरो, जब हम नहीं या जीरो की बात करते हैं वहां पर हम एनी का यूज करते हैं, कोई भी, नो मैटर हाउ मच हाउ मैनी। सेम एनी का भी यूज हम तभी करते हैं जब हम नहीं की बात करते हैं या कोई भी की बात करते हैं, नो मैटर हाउ मच और हाउ मैनी, मतलब कि जब उनकी हम अनिश्चित संख्या के बारे में बात करते हैं तो वहां पर एनी का यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंस, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में एनी का यूज होता है, यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सम की तरह ही एनी भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ में ही यूज होता है। एग्जाम्पल है वी डोंट हैव एनी मनी, तो मनी यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले एनी का यूज यहाँ पर हुआ है कि वी डोंट हैव एनी मनी, मतलब हमारे पास कोई भी मनी नहीं है। तो जब नहीं की बात हो रही है, कोई भी नहीं की बात हो रही है, या नो की बात हो रही है, या जीरो की बात हो रही है, वहां पर हम एनी का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज हुआ है एनी का। सेकेंड एग्जाम्पल है देयर आर नॉट एनी क्लोथ इन द वार्डरोब, तो यहाँ पर जो क्लोथ्स है ये काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर एनी का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ हुआ है, यहाँ पर काउंटेबल नाउन के साथ हुआ है। जब नहीं की बात हो रही है, जीरो की बात हो रही है कि देयर आर नॉट एनी क्लोथ इन द वार्डरोब, मतलब कि वार्डरोब में एक भी कपड़ा नहीं है, तो नहीं के सेंस में बात हुई है, यहाँ पर एनी आया है। थर्ड एग्जाम्पल है आई हार्डली वॉच एनी टेलीविजन सीरियल, तो नेगेटिव सेंस है, यहाँ पर हार्डली का मतलब ही नेगेटिव आता है। जब किसी भी सेंटेंस में हार्डली अगर आता है, किसी भी सेंटेंस में हार्डली आता है, रेयरली आता है, या सेल्डम आता है, तो ये जो सेल्डम है या विदआउट आता है, विदआउट भी अगर किसी भी सेंटेंस में आता है, हार्डली आता है, रेयरली आता है, सेल्डम आता है या विदाउट आता है, तो इन जो जो ये वर्ड्स है इनका मतलब ही नेगेटिव आया है। जब अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में आएंगे तो उस सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी है आई हार्डली वॉच एनी टेलीविजन सीरियल, हार्डली का मतलब हुआ नहीं के बराबर ही।
तो आई हार्डली वॉच एनी टेलीविजन सीरियल, मैं कोई भी जो टेलीविजन सीरियल है वो नहीं देखता हूँ। तो जब कोई भी के सेंस में आ रहा है, नहीं के सेंस में आ रहा है, तो एनी का यूज हुआ है। टेलीविजन यहाँ पर काउंटेबल नाउन है। देयर इज नॉट एनी बटर इन द फ्रिज, तो यहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस है, एनी का यूज हुआ है बटर से पहले, बटर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। देयर इज नॉट एनी बटर इन द फ्रिज मतलब कि फ्रिज के अंदर कोई भी बटर नहीं, ये या जीरो की बात होती है, नहीं की बात होती है, वहां पर एनी का यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। एनी का यूज क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू हैव एनी ब्रेड इन द हाउस, क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू हैव एनी ब्रेड इन द हाउस, क्या घर में कोई भी ब्रेड है। तो कोई भी के भी सेंस में जब आया है, नो मैटर हाउ मच और हाउ मेनी, कि कोई भी हो सकती है, वाइट ब्रेड भी हो सकती है, ब्राउन ब्रेड भी हो सकती है, तो डू यू हैव एनी ब्रेड इन द हाउस क्वेश्चन पूछने का काम करा गया है कि कोई भी ब्रेड क्या है घर पे। सेकेंड एग्जाम्पल है, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, तो चिल्ड्रन अगेन यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं। गार्डन में कोई भी बच्चा है, किस कोई भी बच्चा है, नो मैटर हाउ मच, कितने कोई भी बच्चा है, एक बच्चा है, दो बच्चा है, कितने भी हो सकते हैं। तो आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, क्या गार्डन में कोई भी बच्चा है। थर्ड एग्जाम्पल है, डिड यू नोटिस एनी चेंजेस, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का काम किया गया है, चेंजेस यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। डिड यू नोटिस एनी चेंजेस, क्या आपने कोई भी चेंजेस देखे हैं, जैसे कि है एनी चेंजेस, तो यहाँ पर जब कोई भी के सेंस में बात हो रही है, एनी का यूज हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस। लास्ट एग्जांपल है, हैव यू गॉट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट, इंफॉर्मेशन यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले एनी का यूज, बस कोई भी इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब एनी का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में भी होता है, लेकिन इफ अगर उस पॉजिटिव सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज होता है, और वो कंजंक्शन है if and whether, ये है, we will always help you if you have any problem, तो यहाँ पर if ये as a conjunction की तरह आपको help करेंगे, if you have any problem, आपको कोई भी problem होगी, then we will help you. Last example है, I am not sure whether teacher gives any homework. I am not sure मतलब कि मैं sure नहीं हूँ कि teacher ने कुछ homework दिया है या नहीं दिया। सम और एनी का यूज सेंटेंस में किस तरह से हम करेंगे, इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जांपल है, वुड यू लेंड मी डैश मनी, तो सेंटेंस पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दोगे, तो यहाँ पर आएगा सम और मनी यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम का यूज होता है, काउंटेबल नाउन से पहले भी सम का यूज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट मेक डैश मिस्टेक इन द एसे, तो यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ के थोड़ा सा आप भी आइडेंटिफाई करिए, he did not make dash mistake in the essay की मतलब उसने essay में, क्योंकि not आया है, negative sentence है, any का use हम negative sentence में करते हैं, कि उसने essay लिखने में कोई भी mistake नहीं करी है, तो यहाँ पर any आएगा, he did not make any mistake in the essay. Third example है, the ration shop does not have dash sugar, तो यहाँ पर negative sentence है, not आया है, The ration shop does not have any sugar. मतलब कि जो राशन की शॉप है वहां पर कोई भी शुगर नहीं है, जब कोई भी नहीं की बात आ रही है, जब मेजरमेंट या क्वांटिटी की बात आ रही है, मात्रा की बात आ रही है, वहां पर हम एनी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आएगा एनी, शुगर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। Did you see dash elephant in the forest? तो अगर आप यहाँ पर सम लिखेंगे, Did you see some elephant in the forest? तो सम का मतलब तो कुछ होता है, Did you see any elephant in the forest? क्या तुमने फॉरेस्ट में कोई भी, एनी का सेंस आया यहाँ पर, कोई भी, Did you see any elephant in the forest? क्या तुमने फॉरेस्ट में कोई भी एलिफेंट देखा? फिफ्थ एग्जाम्पल है, There is dash good news for you. तो यहाँ पर एनी तो आएगा नहीं, क्योंकि एनी का मतलब होता है कोई भी या नहीं के सेंस में आता है, तो देयर इज सम गुड न्यूज फॉर यू, सम का मतलब होता है थोड़ा, जब हम थोड़ा की बात करते हैं, कुछ थोड़ा की बात करते हैं, वहां पर सम का यूज होता है, देयर इज सम गुड न्यूज फॉर यू, ही हैज डैश फाइन फ्लावर्स इन हिज गार्डन, तो ही हैज उसके गार्डन में क्या है, कुछ
जो फ्लावर्स है वो फाइन फ्लावर है, तो यहाँ कुछ के सेंस में आएगा ही हैज सम फाइन फ्लावर्स इन हिज गार्डन, मतलब कि उसके गार्डन में कुछ फाइन फ्लावर्स हैं। कोई भी फाइन फ्लावर्स अगर आप यहाँ पे एनी लगाएंगे ही हैज एनी फाइन फ्लावर्स इन हिज सेंटेंस, तो ये सेंटेंस भी सुनने में भी नहीं साउंड कर रहा है करेक्ट। सेवेंथ एग्जाम्पल है देयर इज हार्डली डैश राइस इन द हाउस, राइस यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हार्डली जब आया है तो हार्डली का मतलब ही नेगेटिव हुआ, जब हार्डली किसी भी सेंटेंस पे आया है तो उसका मतलब ही नेगेटिव के सेंस में जाएगा कि घर में देयर इज हार्डली एनी राइस इन द हाउस, मतलब कि घर में कोई भी, जब कोई भी की भी बात होती है, जीरो की बात होती है या नो की बात होती है, वहां पर हम एनी का यूज करते हैं, देयर इज हार्डली एनी राइस इन द हाउस की मतलब घर में कोई भी राइस या राइस की क्वांटिटी या मात्रा नहीं है। एथ एग्जाम्पल है देयर इज डैश टी इन द पॉट बट देयर इज नॉट डैश मिल्क, तो देयर इज, अब आप खुद ही सम या एनी को यहाँ पर फिट करिए, देयर इज सम टी, क्योंकि सम यहाँ पर क्या है, ये टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम का यूज हुआ है कि देयर इज सम टी, कुछ सम का मीनिंग यहाँ पर है कुछ, देयर इज सम टी इन द पॉट की जो पॉट है उसमें कुछ है, यहाँ पर आप अ लिटिल भी कर सकते हैं, देयर इज अ लिटिल टी इन द पॉट, क्योंकि मात्रा की बात हो रही है, देयर इज अ लिटिल भी हो सकता है, अ फ्यू नहीं होगा क्योंकि अ फ्यू का यूज हम नंबर के साथ करते हैं, तो ये तो लिटिल का भी यूज हो सकता है, सम का भी हो सकता है, क्योंकि लिटिल और सम दोनों ही मात्रा को बताते हैं। देयर इज सम टी इन द पॉट बट देयर इज नॉट डैश मिल्क, तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, एनी का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो यहाँ पर एनी आएगा, बट देयर इज नॉट एनी मिल्क, मतलब मिल्क नहीं है, जब जीरो की बात आ रही है, कोई भी नहीं की बात आ रही है, तो एनी का यूज होगा। एग्जाम्पल है नेक्स्ट टेल हिम टू गो एंड गेट डैश शुगर एंड गेट सम शुगर आएगा, क्योंकि एनी का मतलब तो कोई के सेंस में नहीं आएगा ना, एनी का सेंस, एनी का मतलब आएगा कोई भी, तो कोई भी शुगर लाने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि टेल हिम टू गो एंड गेट सम शुगर, कि जाओ और कुछ शुगर लेकर आओ, तो जब कुछ की बात हम कर रहे हैं तो सम का यूज होगा यहाँ पर। लास्ट एग्जाम्पल है डू यू हैव डैश बुक्स ऑफ जनरल स्टडीज, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेंटेंस है, डू यू हैव एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई भी बुक है जनरल स्टडीज की, कुछ की बात नहीं होगी यहाँ पर, सम की बात नहीं होगी क्योंकि सम का मतलब हुआ कुछ और एनी का मतलब हुआ कोई भी, डू यू हैव एनी बुक ऑफ जनरल स्टडीज, क्या तुम्हारे पास जनरल स्टडीज की कोई भी बुक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, आज की वीडियो लेक्चर में हमने सम और एनी को डिस्कस करा है, हमने इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करी है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और इससे पहले भी इस चैनल पर जो भी वीडियोस बन चुके हैं उन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में सेपरेट रखा गया है, वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके वो प्रीवियस के वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं।